मिस इवर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरी मिर्ची का चटपटा और तीखा मसालेदार अचार, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची ली है, ये थोड़ी तीखी मिर्ची होती है। इसके मैंने डंडल तोड़ दिए हैं। फिर इसको मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया है और धोकर मैंने हल्का सा धूप में इसको सुखा लिया है। अब इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अगर मॉइस्चर होगा तो हमारा अचार जल्दी खराब हो जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर हम मिर्ची को इस तरह से बीच में से कट लगाएंगे और इसके 2 पीस कर देंगे। आप चाहें तो इसको लंबा ही रख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपके हाथ बहुत सेंसिटिव है तो आप मिर्ची काटने से पहले अपने हाथ के ऊपर तेल या फिर घी लगा लें, जिससे आपके हाथ जलेंगे नहीं। फिर इस तरह से हम पूरी मिर्ची को काट लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी मिर्ची कट हो गई है एक तरह से। अब हम अचार का मसाला बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। अच्छे से गर्म करने के बाद इसको हम अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 2 चम्मच सरसों के दाने, 1 चम्मच हम डालेंगे पीली वाली राई, इससे अचार का टेस्ट काफी अच्छा आता है। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। फिर हम सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मीठी सौंफ, मोटी बारीक कोई भी हो आपके पास। 1/2 चम्मच हम डालेंगे मेथी दाना, 1/2 चम्मच हम डालेंगे अजवाइन, इसको हम हाथ पर क्रश करके डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। फिर सभी मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है, सभी मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और मसालों को हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडे होने पर इन्हें हम पीसेंगे। हमें मसालों को दरदरा ही रखना है, इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और ये हमारा अचार मसाला हो गया है रेडी। अब इसमें हम डाल लेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे अचार का कलर काफी अच्छा आ जाता है। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हम डालेंगे कलौंजी, कलौंजी के बगैर अचार अधूरा है। फिर हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है, जब हम अचार बनाएंगे तब हम नमक डालेंगे। और ये तैयार हो गया हमारा अचार मसाला रेडी। आप इसे कोई भी अचार में डाल सकते हैं। फिर हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे कटी हुई मिर्ची। फिर इसमें हम ऐड करेंगे मसाले जो अभी हमने तैयार किए हैं। इसे हमने दरदरा ही रखना है, इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसके मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। फिर इसे हम मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे नमक, साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसका कलर काफी अच्छा आ जाता है और ये तीखी मिर्ची नहीं होती है। और लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप इसमें व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अचार के लिए तेल गरम करेंगे। इसके लिए हम सरसों का तेल डालेंगे। यदि आप अचार में तेल को गर्म करके नहीं डालना चाहते हो तो आप तेल को बिना गर्म किए अचार में डाल सकते हैं।
वैसे यदि आप तेल को गर्म करके डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सरसों का तेल में हल्की सी स्मेल आती है। तेल को गर्म करने से वो भी ख़त्म हो जाती है और अचार भी लंबे टाइम तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे मिर्ची, फिर इसको हम इस तरह से हिला देंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से तैयार हो गया हमारा मसालेदार और तीखा मिर्ची का अचार। और अब हम अचार को सर्व करेंगे एक कटोरी में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। और ये लीजिए, हमारा इंस्टेंट अचार एकदम से तैयार हो गया है। आप इसको 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी आप खा सकते हैं। और ये हमारा मसालेदार तीखा मिर्ची का अचार तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।